नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर के न्यू यार्ड में कुछ लोग गणेश प्रतिमा को एक अलग ही रूप देने में जुटे हुए हैं। गणेशोत्सव को अब सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। शहर में गणेशोत्सव समितियां जहां एक ओर तैयारियों में जुटी है, तो वहीं प्रजापति समाज के मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसी बीच रेलवे के उप स्टेशन प्रबंधक विनोद चौधरी का परिवार भी हर साल की तरह इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा बनाने में जुटा हुआ है। पिछले एक दशक से रेलवे के रेल अधिकारी हर साल इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं बनाते हैं। विनोद चौधरी ने बताया कि तैयार प्रतिमाओं को गरीबों, रेलवे के विभागों और परिचितों को निःशुल्क बांटने में उन्हें सराहना मिलने के साथ ही संतुष्टि प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि इस बार वे सिर्फ मिट्टी और रुई से प्रतिमा तैयार कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 से 8 इंच है। इसके लिए माँ नर्मदा की नदी से जल भी मंगवाया है। इस प्रतिमा को सब्जियों जैसे चुकंदर, हरी धनिया पीस कर तो कुछ प्रतिमाओं में रंगोली के पाउडर के रंग बनाकर सजा रहे हैं। गणेश जी के बैठने के लिए पिछले सालों तक अलग से लकड़ी के पटे बनाते थे, पर इस बार मिट्टी के पटे का मजबूत बेस बनाया है। वे लोगों को मिट्टी के पटे के साथ गणेश जी की प्रतिमा निशुल्क देंगे। अंतिम दिन भक्तगण पटे समेत संपूर्ण प्रतिमा को विसर्जित कर घर में ही किसी गहरे बर्तन या कुंड में विसर्जित कर सकते हैं। हम विगत 8 वर्षों से गणेश में बना करके निःशुल्क बाजार में या जहाँ भी वितरित करते हैं, उसी थीम पे हमने इस बार 151 G20 के मैसेज के हिसाब से गणेश प्रतिमा तैयार कर रहे हैं और ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम बाजार में इन्हें निःशुल्क वितरित कर देंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? आज देश में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। 9 और 10 तारीख को G20 का समिट दिल्ली में है। 20 बड़ी कंट्रियों के प्रेसिडेंट्स हमारे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, तो ये एक देश के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और ये बात पूरे देश और जन जन तक पहुँचे, उसी के उद्देश्य से हमने ये गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई हैं G20 को लेकर के, ताकि इसका मैसेज घर घर तक चले जाए और G20 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। आप किस प्रकार की नौकरी करते हैं और कैसे समय निकाल के ये? मैं डिप्टी SS हूँ इटारसी यार्ड में, और चूंकि समय की पाबंदी है लेकिन फिर भी टाइम को मैनेज करके जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम 10-12 लोग मिलकर के गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। आपके साथ में रेल कर्मचारी के साथ में और भी लोग भी शामिल? रेल कर्मचारी के साथ साथ सबके परिवार साथ में जुड़े हुए हैं। जिनके जिनके जो भी रेल कर्मचारी गणेश जी बनाने आ रहे हैं वो परिवार समेत आ रहे हैं मेरे पास में। अभी भी मेरे पास में जो है वो कितने गणेश जी का लक्ष्य है आपको बनाना? 151 गणेश बनाएंगे हम। पहले भी इससे पहले भी कुछ इसके पहले हम 500 गणेश बनाते हैं बनाते थे लेकिन इस बार चूंकि चैलेंज कठिन है, टारगेट थोड़ा सा टास्क कठिन ले रखा है, इसलिए हम 151 गणेश ही बना पाए हैं। को बना लेते हैं 15 से 20 मिनट में। हाँ, कितने स्टेप में बनाना लग रहता है? 7-8। मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ है, किस प्रकार से आप मिट्टियाँ तैयार करते हैं? रुई मिलाकर। कितना समय लगता है गणेश जी बनाने में आपको? आधा घंटा। कितने गणेश जी बनाने हैं और कितने दिनों में आपको कंप्लीट करने हैं? 151 का। परिवार के साथ परिवार को भी समय देते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हो आप? क्योंकि परिवार कर लेते हैं, समय निकाल लेते हैं घर परिवार में से।